ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको एड्रेस कर दिया था, अंतर्ध्यान कर दिया था बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे नानक जी, साथ में परमेश्वर भी उसके साथ एक जिंदा महात्मा साधु के रूप में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो छलांग लगा के जैसे दोनों ही, और फिर दोबारा बाहर नहीं आए, तो नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया। बड़ी खोज की गई, जाल डाल डाल कर दरिया को खोजा गया, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुके थे। उनके शरीर को, स्थूल शरीर को परमात्मा ने कहीं छुपा दिया, आत्मा को लेकर सचखंड गए। वहां जाकर देखा कि ये पूर्ण परमात्मा अकाल मूर्त, ये एक तेज जैसे सतलोक है, ये स्वयं भी प्रकाशित है, पूरा तेजों में है, और उस परमात्मा का शरीर भी तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की। एक रूप में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और दूसरे रूप में नीचे से जिंदा बाबा के रूप में ऊपर जा रहे थे नानक साहिब जी को साथ लेकर। तब नानक साहिब जी ने देखा था कि ये है भगवान, ये है रब जेड़ा तख्त पे बैठा है, और ये नीचे से बाबा जिंदा जो आया है, कबीर जिंदा, ये कोई यहाँ का नौकर ना करोगा, क्योंकि कबीर साहब जिंदा वाले महात्मा वाले रूप से अपने ही दूसरे रूप पर चंवर कर रहे थे, जैसे सेवक किया करते हैं। कुछ देर में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन पर बैठे थे मालिक, वो खड़े हुए, और नीचे से बाबा जिंदा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो सिंहासन पर विराजमान हुए, और वो जिसका तेजो में शरीर है वो परमात्मा का स्वरूप अपने दूसरे रूप पर, जिंदा वाले रूप पर चंवर कर रहा है नौकर सेवक की तरह। तब नानक साहब सोच ही रहे थे ये क्या, एक महात्मा के ऊपर और परमात्मा चंवर कर रही है, इतना सोचा ही था वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा है। तब कबीर साहब ने उस परमात्मा ने कहा था, प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, तुम बहुत दुख पा रहे हो उस गंदे लोक में जाके। नानक साहब की दृष्टि नीचे को कराई के देख जहां तुम रह रहे हो, ये सतलोक में जाने के बाद ये ऐसा लोक दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूमते हों यहां पर, उस सतलोक के हंस आत्माओं की बॉडी को की तुलना में हमारा ये नरक जैसा शरीर दिखाई देता है, उनकी दिव्य दृष्टि बन जाती है, और उनके उनको हमारे शरीर के अंदर चल रहे ये जीवाणु भी नजर आते हैं, ये कीड़े हमारे पूरे ब्लड में कीड़े हैं, और इसमें हम बैठे हैं, इस महल में बैठे हैं। तब नानक साहब ने कहा था, भगवान सचमुच वो तो बहुत गलत स्थान है, और कहा था कि अब मुझे वहां ना भेजो भगवान, मैं तो छिक चुका हूँ उस लोक से। तो परमात्मा ने कहा था, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और जब तुम यहाँ से गए थे सारे बहुत भक्ति युक्त थे, अब वहाँ तुम भक्तिहीन हो गए, क्योंकि आप वहाँ पर किराए पर रह रहे हो, ये एक आपका जो है ना यहाँ रेंट है, आपसे यहाँ मजदूरी कराता है, उस परमपिता की भक्ति करवाता है, जैसी भी साधना अध्यात्म मार्ग में कुछ पुण्य परमात्मा के विधान द्वारा बताए जाने से मिलते हैं, जैसे
वेदों की वाणी पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है, धर्म यज्ञ इसके साथ भंडारा कर ले उससे हो जाता है। तो इस तरह की क्रियाएं संत बताते हैं, भगत करते रहते हैं, लेकिन उसको ये यहीं समाप्त करवा देता है, स्वर्ग में भेज दिया कि तो राजा बना दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा रखा, इतनी कमाई मुझे मिलेगी। जो यहाँ का भगवान है, तो परमात्मा ने कहा था आपको जाना पड़ेगा और वहाँ सब पुण्यात्माओं को बताओ, आपके भाई बहनों को, कि जिनको तुम पूज रहे हो वो परमात्मा नहीं है, वो मोक्षदायक नहीं है, जहाँ तुम रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा प्यारी आत्मा, चिंता मत करना। वहाँ अकेला व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता जब तक मेरा सहयोग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ काल का भयंकर प्रेशर है। फिर भी प्रार्थना की, भगवान जो आपका आदेश होगा वही दास को मान्य होगा, लेकिन उस लोक में जाने की रुचि कति नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि आपको जाना होगा और मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जो दो अक्षर का है, इसकी साधना करने, इसकी भक्ति करने से, सिमरण करने से आप शीघ्र उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहां से गए थे, और उस भक्ति के बल से तुम वापस आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। और फिर सार नाम दूंगा जिसको आदि नाम भी कहते हैं, और फिर ये तीन मंत्र के जाप का आप अभ्यास करना, इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं, कि जिस नाम का जाप, सतनाम का जाप आपको दिया, उस पर ध्यान रखकर सुमरण करते समय ये आपका सुरत शब्द योग है, सुरत शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके ढाई घंटे सुबह, ढाई घंटे शाम की तक एकांत स्थान पर बैठकर ये हठ योग करना, ये शब्द सुरत अभ्यास नहीं है, तो डड़े ढोना अभ्यास है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, कर्म है, फोड़ दिए इन्ना मारे नकली गुरुओं ने, नकली साधना, गलत साधना बताकर। तब नानक साहब जी से कहा था कि आप जाओ, लेकिन इस सतनाम का अभी किसी को बताना नहीं, और ये सतनाम जो इतना कीमती है मैं आपको दूंगा, आप बनारस में आना, काशी शहर में, वहाँ मैं पहुँचा हुआ हूँ, मैं वहाँ प्रचार कर रहा हूँ, आप भी मेरा साथ देना और वहाँ आ जाना बनारस में, आपको सतनाम दूंगा। और गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता, जिन ब्राह्मणों से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इन पांडवों से, इनके पास वो ज्ञान है नहीं जो आपको दिखा दिया, ये सचखंड है, सतलोक है, ये देखो तुम्हारे भाई बहन किस प्रकार सुखी हैं, या कैसे घूम रहे हैं, कैसे ठाठ हैं, सभी वहाँ की आत्माएं आकर के नानक साहिब के चारों तरफ खड़े होगी कि तेरे भाग जागे, आपके भाग जग गए और आपको भगवान ले आए यहाँ पर, अब भूलना मत, मालिक को याद रखना। सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तब क्या हुआ, तीसरे दिन यानी परमात्मा ने सारी सतीथि से उनको परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, काल का लोक दिखाया, वहाँ के धर्मराज का स्थान दिखाया, जहाँ वहाँ न्याय करता है ये बैठकर, और फिर नीचे छोड़ दिया। तीसरे दिन नानक साहब जी वापस आ गए थे, वहाँ के जनता ने उनको मरा जान लिया था, और वो सामने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उस पहले वो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब की, उसी दिन से नौकरी त्याग दी और परमात्मा से सतनाम प्राप्ति के लिए, और प्रथम उदासी, उदासी मीन संसार से विमुख होकर, संसार से उदास होकर के प्रथम यात्रा की थी बनारस की। तो रस्ते में इस ज्ञान से वो पूछने लगे, जिस भी साधु संत कोई मिलता है, एक स्वाभाविक है ये मालिक का दिया हुआ गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिस प्राणी को ये ज्ञान परमात्मा का हो जाता है वो प्रत्येक को समझाने की चेष्टा करता है, और जो संत होते हैं उनसे अवश्य जाकर मिलता है, उनका झाड़ा लेने के लिए, के पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इन कख का भी नहीं पता, ये कहते हैं तो अद्रो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो ऐसे करते कराते वो सबसे मिलते मिलाते वहाँ पहुँच गए बनारस में।
और परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि वहां मैं रह रहा हूं और मैंने भी गुरु बना रखा है, गुरु बिन बात नहीं बनेगी, मेरे गुरु जी हैं रामानंद, और वहां मैं धानक का काम करता हूं जुलाए का। अब नानक साहब जी, क्योंकि हम तो भगवान के सामने बालक ही हैं, अब उनके ये बात गले नहीं उतरी नानक साहब जी के कि भगवान धानक का काम करता होगा। लेकिन अविश्वास भी बच्चे को अपने माता पिता की बातों पर नहीं होता। अब उन्होंने सोचा भी चलो बनारस तो चलना पड़ेगा, सतनाम भी लेना है, सतनाम बिन मोक्ष नहीं। तो वहीं से कहने लगे थे वाहिगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ता। अब जैसे नानक साहिब जी ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाह गुरु, जैसे एक धन्यवाद कराया करते हैं ना किसी की सराहना करते हुए, ये वाह शब्द ऐसा समझो। और सतनाम श्री वाहिगुरु, यानी सतनाम मिलेगा, और सतनाम जिसने दिया फिर उसके उसके ऊपर फिजा हो गए, ऐसा अनमोल धन मिल गया। लेकिन उनको ना कर दिया था कि सतनाम किसी को बताइयो मत, दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम अपना कल्याण करवा लेना। तो बनारस में जब पहुंचे, रामानंद जी से गोष्ठी की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब नानक साहिब जी को पता था कि जो इसका उत्तर देगा वो उस संत परमात्मा से मिल चुका है। तो रामानंद जी ने बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हो इसका उत्तर तो परमात्मा ही दे सकता है, बाकी उनकी कृपा से मुझे भी पता है। वो परमात्मा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ दुल्हा का कार्य कर रहे हैं, और उन वो मुझे सतखंड लेकर गए थे, रामानंद जी बताते हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे भी वो सतखंड लेकर गए, क्या वो यहीं रहते हैं। अखाँ यहीं रहते हैं, रामानंद जी ने कहा। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। आदरणीय रामानंद जी जो कबीर साहिब के वैसे तो एक व्यवहारिक रूप से तो वो गुरु जी थे, लेकिन वो आत्मा से उनको परमात्मा मानते थे। कहा कि एक सेवक को भेज दिया नानक साहिब के साथ कि जाओ ले जाओ महात्मा को, भक्त को, और मिला दो परमात्मा से। परमात्मा क्या कर रहे थे, जैसे एक खड्डी बोलते थे उसको, जैसे दो तीन जहाँ बैठकर वो कपड़ा बुनते थे उस करघा में, वहाँ बैठे अपना कपड़ा बुने। पता था कि आ रहा है मेरा लाल, और लीला कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि आदमी वो ही दिखे जो सचखंड लेकर गया था, और ये यहाँ ये कैसे कैसी उसमें बैठा है। लेकिन जब निकट पहुँचे तो ज्यों की तो वही सूरत जो सतलोक में देखी थी, वो मोहनी सूरत, हाई सूरत, मुलुक की वेश। ओह, पर नानक साहब ने कहा था कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, लोगो देखो धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान, ये बैठा भगवान, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठगवाड़ा ठगे ठग रहा है सबको, ये प्रगट ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूँ। आंखों में आंसू चल पड़े। लेकिन वहां के जुलाए इकट्ठे हो गए, एक पंजाब का भगत आ रहा है और इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है, ये मेंटल हो गया, ये पता नहीं क्या जादू करता है। नीरू का पुत्र कबीर जो इसके पास आते हैं इसी के गुण गाने लग जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि लो अब मैं आपको सतनाम देता हूं, लेकिन इसको अभी कहीं डिस्क्लोज ना करना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो ये काल के दूत इस सतनाम से परिचित हो जाएंगे और ये भी सतनाम दिया करेंगे, ये अधिकारी होंगे नहीं,
और जनता भ्रम में पड़ी रहेगी कि वही सतनाम ये दे रहे हैं, वही सतनाम जो हम दिस दास को भेजेंगे कलियुग की पिछली पीढ़ी में, वो भी वही नाम देवेगा, तो भिन्नता का पता नहीं लगेगा और मेरे बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा भी तो कच्चे नहीं है, क्योंकि वो वेदों में लिखा उन्हीं को ये धन सौंपते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। नानक साहिब जी ने कह दिया था कि भगवान जो आपका आदेश होगा उसी को सतनाम दूंगा, नहीं तो इसकी कहीं अवाबी नहीं लगने दूंगा। तो पुण्यात्मा उन महापुरुषों की इतिहास देख लो, नानक साहिब जी ने कितना बड़ा सिख समाज है किसी को भी सतनाम नहीं दिया। मर्दाना और बाला उनके साथ रहा करते थे, दो पुण्यात्माएं, उनको भी ये नाम उनने प्रदान नहीं किया, क्योंकि पता था ये बालक हैं, कहीं डिस्क्लोज कर देंगे और बात बिगड़ जाएगी, परमात्मा की आगे की अवहेलना हो जाएगी और काल का दाव लग जाएगा। एक समय की कहानी आपको पता है, जैसे समुद्र इसमें जन्म साखी के अंदर नानक साहिब जी की पवित्र जन्म साखी में मर्दाना और बाला के का जो आंखों देखी हाल लिखे हुए हैं। एक समय मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की कि भगवान हे गुरुदेव हमें श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक जी ने कहा कि बच्चों मेरे साथ आ जाना है समुद्र के ऊपर, लेकिन तुम वाहेगुरु करते रहो। नानक साहिब जी चल पड़े सतनाम का जाप करते हुए, दो अक्षर के सतनाम का, पीछे पीछे मर्दाना और बाला भी जा रहे हैं वाहेगुरु करते हुए, समुद्र पर ऐसे चल रहे हैं जल पर जैसे थल पर चला करते हैं। अब मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम के दो अक्षर का जाप कर रहे हैं, तो वो भी उनकी सुन, अब ये लीला थी मालिक की, नहीं तो ये बोल के सिमरन करने का नहीं है ये मंत्र, जानबूझ कर बोला उन्होंने। उन्होंने बोला, मर्दाना ने नकल कर ली, वो भी बोलने लग गया, तब वो डूबने लग गया समुद्र में। नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करा करते, आज्ञा का पालन करो और पुनः तुम वही बोलो, ये छोड़ दो, ये मंत्र मत बोलो। अब वो फिर लगा वाहे गुरु जपने, तो फिर ऐसे ही चल पड़ा समुद्र के ऊपर थल की तरह। अपने आत्माओं, ये कोई वाहे गुरु कहने से समुद्र के ऊपर नहीं तरा, वो तो आदेश शक्ति थी नानक साहिब के वचन की, उससे चल रहे थे वो। अब जैसे पुण्यात्माओं या लीला देखो परमपिता परमात्मा की, ये कैसे काल के साथ आंख में चौनी खेल करी सतनाम को सुरक्षित रखवा गए। अब नानक साहिब जी ने फिर अपनी वाणी में भी इस सतनाम का बहुत बार वर्णन किया, लिखा। एक प्राण संगली नामक ग्रंथ है जो नानक साहिब जी की का विशेष ग्रंथ है, जिसमें बहुत बड़ा भेद, पूरा भेद प्राणों यानी श्वासों के द्वारा सिमरण सतनाम का होता है, दो अक्षर के का, उसमें बहुत डिटेल लिखी थी। और उन्होंने एक राजा को दे दी थी, एक शिवनाभ नाम का राजा था, उसको सुरक्षित रखवा दी थी कि इसको रख देना, सुरक्षित रखना, किसी के हाथ ना पड़े, इस अनमोल धन को केवल तू ही सुरक्षित रख सकता है, ये मेरा, मेरी बॉडी समझ लेना, ये मेरा शरीर जान लेना, अगर ये किसी को देना नहीं। उनका उद्देश्य ये था कि धीरे इसको वहां तक सुरक्षित रखें जब यो कलियुग की बिचली पीढ़ी आवे। फिर क्या हुआ कि पांचवें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख परंपरा में, उन्होंने जब ये वाणी का संग्रह करके, एक इकट्ठा करके सब महापुरुषों की वाणी को एक कॉमन ग्रंथ बनाया कि महापुरुषों की वाणी सुरक्षित रहेगी, सब पढ़ा करेंगे, कलयुग में आने वाले समय में इनका काम आवेगी, तो उस समय उस प्राण संगली को भी देखा। लेकिन इन वाणियों को संग्रह करते समय एक विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं इसके अंदर वो दो अक्षर का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में ना लिखा आ जाए,
और आने वाले समय में और सिख लोग इनको पढ़ेंगे और जाप करने लग जाएंगे तो कहीं मर्दाना की तरह ये हानि ना उठा लें, भगवान की आज्ञा का, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जावे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्राण संगली से भी, प्राण संगली को जो पढ़ा अर्जुन देव जी ने, देखा उसमें तो बहुत ढेर सारे प्रमाण थे सतनाम के, तो उन्होंने यही उचित समझा कि कहीं गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना ना हो जा। और इसमें तो स्पष्ट लिखा है, विधि लिखी है, और हमारे सिख समाज को हानि ना हो जा, इसलिए उसने सारी की सारा ग्रंथ अच्छी तरह कपड़ों में पैक करके, आदर के साथ बहुत अच्छी तरह पैक करके और दरिया में बहा दिया, डाल दिया जल में आदर के साथ। तो किसी एक और भगत कोई खड़ा था, उसने प्रार्थना की, भगवान यह अनमोल वचन है गुरुदेव के, आपकी आज्ञा हो तो मैं रख लूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इनको पढ़कर अपना आनंद मनाऊंगा। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना पर, मालिक की दया होती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकालने देते, कहा भी चल ले जा तो इसको सुरक्षित रखना, किसी का और को ना बताना। अब वो फिर जैसे तैसे थी, वो उनमें 160 अध्याय बताए, कहीं पर 113 भी लिखे हैं, तो केवल 80 अध्यायों को लेकर के प्राण संगली हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी 30-40-50 अध्याय शेष थे, वो नहीं प्रकाश में आए। कारण क्या था कि उनमें सतनाम के दो अक्षर का विशेष भेद है। तो यहाँ कहने का दास का ये है कि नानक साहिब जी ने वो किस लिए कहा था, क्यों छुपा के रखा, इसलिए मना किया था कि आने वाले समय में कोई इस नाम का जाप ना कर ले, और जाप करेगा तो फिर अन्य को भी पता लगेगा, तो काल के दूत भी, जैसे राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा पंथ और ये निरंकारी पंथ, ये सारे सिख समाज से ही निकले हैं, और इनके पास ये मंत्र है नहीं, और अगर ये सार्वजनिक होता और उसमें ये सब झटका मालिक नहीं दे कर जाते मर्दाना को, तो ये सब इसको कति सरेआम नाम जाप करते। अब इन नकली संतों को ये पता नहीं चला कि ये मंत्र भी होगा जाप का, और स्वयं ये नहीं पता उनकी आंखें कहाँ चली गई थी ज्ञान वाली, नानक साहब जी स्वयं जाप कर रहे हैं उसका, औरों को मना कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कि भगवान का आदेश नहीं था। अब कारण क्या था कि जैसे, अब ये भी नहीं कह सकते अभी नानक साहब जी ने हमारे साथ ये क्या किया, हमें ये नाम क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि उनको ग्लूकोज लगा गए थे, वह ग्लूकोज जैसे जब तक सर्जन नहीं आता, वो कहीं बाहर गया हुआ हो और कोई एमरजेंसी केस आ जाता है तो वो टेलीफोन पर उनके दूसरे व्यक्ति संपर्क करते हैं, जी ऐसे ऐसे मरीज है, तो वो बताता है इसके ग्लूकोज लगा दो, एक आधा इंजेक्शन लगा दो और मैं आकर संभाल लूँगा। ग्लूकोज लगाने से ट्रीटमेंट तो नहीं होता लेकिन शरीर सुरक्षित रह जाता है। तो उन महापुरुषों ने हमें ग्लूकोज लगा दी, किसी को तो बता दिया कि गीता जी का पाठ करो, किसी को बता दिया संतों की वाणी का पाठ करो, भंडारे करो, धर्म करो, ये ग्लूकोज लगा रखे थे। और इनसे क्या होता रहा, मनुष्य जीवन कंटिन्यूस आता रहा लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस प्रोसेस से। अब मोक्ष के लिए तो ये मंत्र है, अब वो ग्लूकोज भी लाना पड़ेगा क्योंकि हम दीर्घ रोगी हैं, ये धर्म यज्ञ भी करनी है, और साथ में ये कैप्सूल जो एंटीबायोटिक है, ये सतनाम के दो अक्षर, आदि नाम का वो अक्षर, यानी ये तीन मंत्र का जाप आपको प्राप्त होगा तो आपका जरा और मरण का ये रोग समाप्त होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की और हमें बताया कि आप यहाँ जिस लोक में रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कहाँ सीमा है कबीर हुआ, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गलपड़ीब कौन छुटावे था, के सतलोक का नजारा देखा, सत कबीर का, परमेश्वर का, सतपुरुष का सतलोक में,
तो उसको देख कर दर्शनियों कहते हैं ना, वाह भाई वाह, ओ हो वाह वाह वाह, तेरे की कितना अच्छा है। अब कहते हैं वह सिखा के गल पड़ीब कौन छुटावे था। एक भक्त है हमारा, वहां रेलवे रोड पर उसकी दुकान थी छोटी सी, ये दास वहां बैठा था। ये सन 1994-95 की बात है। तो वहां एक खैतीलाल अरोड़ा वृद्ध सा व्यक्ति आ गया। भगत ने बैठा लिया कि आजा बैठ जाओ अरोड़ा जी। उसने फिर हमारा परिचय दिया कि हमारे गुरु जी हैं। उसका भी परिचय दिया कि ये गुरुद्वारे के अंदर बहुत सेवा करी है इन्होंने। तो फिर मैंने कहा कि आप जी कौन सा नाम जाप करते हो। उस खरेतीलाल अरोड़ा ने बताया कि मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और हम वाहे गुरु जाप करते हैं, वाहे गुरु। मैंने उनको दिखाया कि नानक साहब जी तो ये दूसरा नाम जाप करते थे, ये करने का बताया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो साढ़े गुरुआ करना सी, असी तो वाहे गुरु करना है। मैंने उनसे कहा भले आदमी गुरुजी के पेट में दर्द हो जावे, जिन टैबलेट से जिस औषधि से उनको आराम होया, तो आप चेले ने भी वाई खानी पड़ेगी उस रोग में। तुम्हारा यो धोखा लग रहा है। ये इतना मुझे उस समय मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बनी हुई थी कि मर्दाना जी को उन्होंने इसलिए झटका दे दिया था कहीं आगे कोई इसने जाप ना कर ले। तो वो क्या कहता है, तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना सी। तो अब पता चला जब ये जन्म साखी दास को ला कर दिया एक सिख बच्चे ने, और उसने बताया जी आप जो कह रहे हो सब सत्य है, नानक साहब जी ये दो अखर का ये सतनाम जाप करते थे, ये देखो अपने आत्मा दास ने आपको इतना पारखू बना दिया कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को आप स्वयं ही पहचान लोगे। जैसे एक समय दो सेठ थे, दो भाई थे वो, और छोटे भाई के दो पुत्र थे। वो छोटे भाई की मृत्यु होगी, अब उनके सामने बच्चे थे वो 16-17 वर्ष के। सामने समस्या आ गई कि बिजनेस कैसे करेंगे बालक। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस कर लो, उसका हिस्सा कर लो, पार्टनरशिप कर लो। पैसे तो मेरे पास है नहीं बेटा, ये तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं, इन लालों को अपने ताऊ जी को दे दो और ये कहीं इनको रख लेंगे, गिरवी रख करके उधार ले लेंगे पैसा। वो बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा मेरे साथ कर लो। फिर उन बच्चों ने कहा कि मेरी माता कह रही है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पिता के समय के कुछ लाल हैं, उनको आप रख लो। यूं कहकर वो लाल सामने रख दिए ताऊ जी के। तो उस सेठ ने देखा, क्या बेटा ठीक है, इनको बांध लो अच्छी तरह, तेरी मम्मी को दे आओ और कहना उसको सुरक्षित रखे, फिर समय आएगा तब ले लेंगे, आवश्यकता पड़ी। अभी तो मेरा उधार चलता है, चलो मेरे साथ तुम्हारा हिस्सा कर लेता हूं। बच्चों ने सोचा ठीक है भाई, लाल हमारे पास है, पैसे की कमी है ही नहीं। अब उन दोनों पुत्रों को, दोनों बच्चों को, भाई वालों को लेकर अपने उस शहर में गया जहां से वो सामान लाता था। एक 50,000 का सामान खरीद लिया, लाला जी से सौदा कर लिया और उसको बोल दिया कि मैं बच्चों के हाथ अभी आपके पास लाल भेजता हूं, उनको गिरवी रख लेना। वो सेठ अपने लाल लिए हुआ था अलग से और वहां धर्मशाला में रुके हुए थे उसी शहर में। दोनों बच्चों से कहा बेटा जाओ उस सेठ को ये लाल दे आओ जिससे हमने 50,000 के सौदे की बात की है। अच्छा ताऊ जी। वो दोनों बच्चे वो लाल लेकर सेठ के पास गए और कहा सेठ जी लो ये लाल रख लो, हम ये आपके 50,000 रुपये दे जाएंगे, अपना लाल वापस ले जाएंगे। सेठ ने एक जौहरी बुलाया पारखू, उससे कहा कि भी देखना
ये लाल असली है या नकली। अब उस जौहरी ने बताया कि ये तो लालड़ी है, लाल नहीं है। लाल तो होता है 9 लाख रुपए का उस समय, और लालड़ी को नहीं 200 रुपए की भी, यानी डुप्लीकेट लाल समझो। सेठ ने फेंक कर मारी गली में और कहा कि तेरे ताऊ जी अभी इतने धोखेबाज हो गए, हमारे साथ धोखा करने आए थे, मैं कभी मना किया उसको, उधार भी वैसे भी ले जाता था, लालड़ी ये मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी, क्या बेईमान आ गया तेरे ताऊ में, ऐसा आदमी तो नहीं दिखे था। अब बच्चे सहम गए, घबरा गए और उस लाल को उठाकर ताऊ जी के पास आए और कहने लगे, ताऊ जी वो सेठ तो बड़ा निकम्मा आदमी है, हमारे लाल को गली में फेंक दिया, उसने एक व्यक्ति बुलाया, उसने उसको नकली बता दिया, लालड़ी बताई और उसने बाहर फेंक दिया। और कहने लगा, तेरे ताऊ जी ऐसे आदमी तो नहीं दिखे थे धोखेबाज, आज कैसे नीत खराब होगी उनकी, हैं, लालड़ी दे दी, धोखा करे मेरे साथ। तब उस ताऊ जी ने कहा उस सेठ ने कि बेटा सचमुच ये तो लालड़ी है, ले अरे धोखा लग गया बेटा, लाल तो ये दूसरी जेब में था, ले ये देखा उनको, देख रहे भाई कितना अंतर दोनों में, हाँ है ना फर्क, कहाँ जी वो तो बहुत अंतर है, ले ये देख आओ। अब वो उस लाल को लेकर चले सेठ के पास, पुनः आए कि सेठ जी ये देखो कैसा है, उसने फेरो जोरी बुलवाया, उसने आते बता दिया हाँ ये है लाल, ओके है दो। तब उस सेठ ने कहा, देख जिससे उधार ली थी, देख देख बच्चों तुम्हें आंखें हो तो ऐसा होता है लाल। अब कहने का भाव था कि फिर वो बच्चे आए वापस, उस ताऊ जी ने तो उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी, दोनों बराबर दरके, सारी बात यह थी। सेठ जी अपने बच्चों को लेकर, भाई वालों को सामान लेकर के वापस आ गया जहाज से, घर आके अपने उन बच्चों से कहा, बेटा ऐसा करो वो तेरी माँ के पास लाल रखे ना, हका जी उनको ले आओ, किसी का उधार है वो दे देंगे और फिर छुड़वा लेंगे अपनों को। अखा अभी गए ताऊ जी, वो बच्चे भागे गए अपनी माँ के पास, माँ ने कहा आगे बेटा, हका आगे माता जी, हका जो रोटी खाओ भोजन पाओ। बच्चे कहने लगे, रोटी पात पीछे खाएंगे, पहले वो लाल दे माँ, जरूरत पड़गी ताऊ जी ने उनकी। अगले बेटा नो के नो रखे सुरक्षित, उठा के दे दी पोटली माँ ने। अब बच्चों ने सोची लाल है कि लालड़ी परखते कर ले, वह गिठड़ी उड़े खोल ली, वो पोटली में धर रहे थे और वो तो सारी लालड़ी थी। बच्चे कहने लगे, माँ इनमें तो लाल एक भी कोनी। तो माता जी कहने लगी, बेटा मुझे तो पता नहीं, मैंने तेनो सोचा तेरे पिताजी के समय के रखे हैं वो कहीं लाल होंगे, अक नहीं ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, अरे या तो 200 रुपए की भी कोनी माँ, वो उड़े पटक दी ठाके, तो भी बड़ी बोली है। तो बच्चे दोनों वापस आए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बोली बाली है बिल्कुल, उसको पता कोनी, और ताऊ जी वो लाल कोनी, वो तो लालड़ी थी, सारी की सारी लालड़ी है, एक भी लाल नहीं उनमें। तो तब वो ताऊ जी कहता, बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ना ये, उस दिन भी लालड़ी थी, और जब मैं कह देता ये लालड़ी है तो तेरी माँ यूं कहती कि मेरे सिर पर दड़ी नहीं हाज, इनका बाप कोनी, हमारे तेरे लाला ने भी लालड़ी बताओ ये इसका ताऊ जी। तो बेटा आज तुमको मैंने इस योग्य कर दिया कि अपने लाल और लालड़ी को तुम स्वयं परख लोगे। तो इस आधार से वो सिख बच्चा उस जन्म साखी नानक देव जी की लेकर आया और बताया, जी आप जो बताते हो सचमुच ये नाम है सतनाम, और ये लिखा इसके अंदर नानक जी ये मंत्र जाप करते थे, और दास ने तो पहले ही शुरुआत से इसी से कर रखी है, ये तो प्रमाण तो वेदों में, गीता जी में और गुरु ग्रंथ साहिब में, ये तो बाद में सामने आए हैं, पहले हमारा वेरी स्टार्ट से ये जो की तो प्रोसेस है, जो आज अन्य सदग्रंथों ने और महापुरुषों के उन एफिडेविटों ने आज समर्थन कर दिया कि जो साधना दास शुरू से दे रहा था वो आज तक नो की नो फाइनल है, वो सच साधना है। अब
पुणात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गड़पड़ी कौन छुटावे था। अब या ईब छुटेगी। अब दास ने एक सिख बच्चे के सामने ये वाणी बोल दी, मिलने आया हुआ था दशल पंक्ति में, कि भाई तो कहने लगा जी हमारी तो छूटगी और कोशिश हो रहा कि भी करेंगे छुटवाण की। या वाह, तो कहने का भाव यह कि इस ज्ञान से ये सब जो हम पहले साधना करते थे वो छोड़नी पड़ेंगी और सत साधना करने से ही हमारा कल्याण होगा, वही हम अपनाएंगे। तो प्रसंग है कि ये लोक रहण का नहीं है या कोई भी वस्तु सथाई नहीं है। परमात्मा कहते हैं दृष्टि पड़े सुफना है ये धर अंबर कैलाश, ये कृत्रिम बाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। इस सतनाम के सिमरणते श्वास उश्वास यानी प्राणों से श्वास से इसका सिमरण होता है और सतनाम जिसको आदि नाम कहते हैं वो भिन्न है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई। वैसे तो सभी महापुरुषों से ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी, आदेश दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये आदि नाम सार नाम की तबार न जाई। सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और फिर कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। यथार्थ ज्ञान दो मैं तुझे बता रहा हूं, ये भी अभी बाहर ना पड़े। तभी तैयारा दास स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले उवा भाई बोल रहे हैं वही सतलोक वही सतनाम वही सारनाम वही सत शब्द वही सार शब्द और वही साडा राधा स्वामी शब्द। अभी न कक्कत पता नहीं। तो सतनाम क्या चीज है, इनके सारी उम्र में यह समझ में नहीं आ रही, 150 वर्ष हो गए घाटा जोड़ रहे इसके ऊपर। और सतनाम वो अनमोल धन है जिससे मोक्ष होगा, उसके ये आसपास भी नहीं पांचों नाम काल के हिसाब कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली शास्त्र ज्ञानहीन गुरुओं ने शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। और क्या कथा सुनाते हैं, कोई पूछता है इनसे जी श्राद्ध करने से क्या लाभ है। कहते हैं एक बार श्री रामचंद्र जी ने वनवास में थे और अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, उनके सारे पूर्वज खड़े दिखाई दिए। वो दिखेंगे तुमने सारे भूत बनवा दिए, उल्टी साधना करवा के और कौन से स्वर्ग में जा थे वह सारे भूत बने खड़े वहां पर। पुण्यात्मा अब आप परमात्मा ने सबसे पहले तो अक्षर ज्ञान युक्त किए और फिर परमात्मा ने बताया था कबीर साहब ने कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे इन संतों की वाणी में है, नानक साहब जी की वाणी में है कि 52 अक्षरों के अंदर जो तुम्हारे इस परमात्मा की वाणी से पहले जितने भी ग्रंथ थे, वेद गीता जी पुराण उपनिषद और ये सुधा सागर जो भी थे, परमात्मा ने यह कहा था तुम्हारे ये सभी के सभी ग्रंथ इन 52 अक्षरों के अंदर लिपिबद्ध हैं। लेकिन वो मंत्र जो हम लाए हैं सतलोक से, ये मंत्र तुम्हारे इन 52 अक्षरों के लेख में नहीं है। और ये उसका अन्य ही अर्थ लगाते हैं 52 अक्षरों से, कि वो तो 52 अक्षरों में नहीं है, वो तो बस धुन है, वह धुन 52 अक्षरों में नहीं है। 36 जगह लिख रखी, इतनी धुन होती है, इस प्रकार की होती है। तो कहने का भाव ये था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने अब भी गुप्त छुपाए। अब इस दास को पर मेर करी सार नाम, मतलब सार नाम दे तो उन महापुरुषों को भी दिया था, उनको तो कहा था इसकी तो तुम जिक्र भी ना करना सार नाम की, तय सतनाम अपना फीडियोट रूप में अवश्य लिख देना। सभी महापुरुषों ने लिख रखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थिर होई, राम नाम का जाप करने से थिर माने स्थाई स्थान प्राप्त करोगे, आवा गमन जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। और वो कौन सा है राम नाम, कौन सा हो राम का नाम, ओम सोहम मंत्र दोई। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि उस सचिदानंद गण ब्रह्म के पाने का
ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा यगा। तो कहते हैं उस सचिदानंद गण ब्रह्म के पाने का इस तीन मंत्र की मजदूरी है, ये साधना है। ओम तो ये ब्रह्म का काल का, और जो दूसरा मंत्र तत्व है वो सांकेतिक जो दास आपको बताता रहता है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, वो अक्षर पुरुष का है। और तीसरा मंत्र जो है वो परम अक्षर पुरुष का है, वो सार नाम है। अब सतनाम का अपने सत्र का काम है, सार नाम के बिना ये दो मंत्र का जाप भी व्यर्थ है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गवाया, और सार नाम मुक्ति का दाता वा को भेद नहीं पाया। परमात्मा की नकल करके ये बहुत से लोग जैसे इस मंत्र का भी जाप अपने मंत्रों में जड़ने लग गए सोहम को जैसे, तो परमात्मा ने कहा कि इस अकेले इस मंत्र से भी कोई लाभ नहीं होगा सोहम से, जब तक वो सार नाम नहीं मिलेगा। तो सतनाम भी यूजलेस है जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा। जैसे ये धन धन सतगुरु वाले कुछ चतुरता दिखाई इन्होंने, अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तीन मंत्र अलग से जाप के शुरू कर दिए इन्होंने, क्योंकि इनको किसी ने टोक टाक दिया होगा कि तुम तो काल के जाप करते हो, बात करो सतलोक की। ये रंकार ओंकार ज्योति निरंजन और ये सतनाम वगैरह कहते तो सारे काल के जाप हैं, तो इन्होंने ये तीन मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कोई ये ना कहेगा तुम काल के जाप करो, कोई बात ही बड़का खेल बना रखे नहीं से, अनमोल जी उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या है तो अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो एक परमात्मा की उपमात्मक मंत्र है। सतपुरुष का अर्थ भी सत माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो, पुरुष माने परमात्मा, अकाल मूर्त भी वही जिसका काल कदे नहीं आओ साकार परमात्मा का, शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो असली स्वरूप में वही परमात्मा है, शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी रूप साकार परमात्मा। तो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष के ये से कहने से नहीं मिलेगा, जैसे जल पानी नीर कहता रहे, उस जल पानी जल कहो चाहे पानी कह लो चाहे नीर कह लो एक ही बहुत है, उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो कहाँ है, पृथ्वी के अंदर है, पता लग गया पृथ्वी के अंदर जल है और उसकी कितनी आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है, हैंडपंप लगाना पड़ेगा। तो ये सतनाम समझो, अब आपको प्रथम मंत्र दिए जाते ना साथ, ये तो समझ ले ये पाइप पुइप खरीद के लेनी है इस खातिर, और फिर जो वो सतनाम है वो बोकी है, वो सतनाम है वो बोकी मारनी है। जैसे बोकी मारी मिट्टी बार फेंकी फिर मारी फिर बरगी फिर बार फेंक दी, तो ऐसे उस बोकी के श्वास उस श्वास से ये बोकी मारनी अपन, और ऐसे करते करते वो पाइप पहुंच गई जल तक। अब सतनाम का काम होया पूरा, लेकिन वस्तु अभी भी प्राप्त नहीं हुई। यदि हैंड पंप नहीं लगा ऊपर, मशीन नहीं लगी, तो पानी तक तो पहुंच गई, पहुंचा दिया उस बोकी ने और पाइप ने, वो पाइप पहुंच गई, लेकिन जल अभी प्राप्त नहीं हुआ जब तक उसके ऊपर हैंड पंप नहीं लगाया जाएगा, और हैंड पंप की भी फिर सेवा करनी, जाप करना यानी उसको हिलाना है, तब वो जल कहो चाहे पानी या नीर वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ये सतनाम के दो अक्षर का मंत्र श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी तुमने, और जब ये आपकी बोकी लगती लगती जल तक पहुंच जाएगी, तब ये दास आपका वो हैंडपंप लगावेगा सार नाम का, और तब मिलेगा आपको वो परमात्मा। ये प्रोसेस है परमात्मा के पाने का। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि हम जहां रह रहे हैं ये लोग ठीक नहीं, उसके लिए मालिक बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जमक पड़े जंजीरम, मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा कहते हैं तुम यहाँ झूठी प्रभुता के भूख में सारा जीवन नाश कर जाते हो, जैसे कोई व्यक्ति को इस राजनीति की एक ललक लग गई, कोई चषक लग गई, तो
तो ये सोचता पहले तो कोई सरपंच बन जाऊं, सरपंच बन गया ने सोचा चेयरमैन बन जाऊं, चेयरमैन बन गया तो ने सोचा एमएलए बनूं, जब बात बने एमएलए बनते ही ने सोचा मंत्री का दाव लगे तो कुछ बात बनी ना तो व्यर्थ, और मंत्री बनने के बाद ने सोचा मुख्यमंत्री बने बिना तो बातें नहीं बनती, अब भी अधूरा काम रह गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके मन में ये आती है प्रधानमंत्री बनूं जब बात बने, इतने इसकी टिकट कट ले फिर काल बनाओ इसकी बात, गधा बना के शहर से पट्टे करवाओगे इस पर। तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ की आपकी जो महिमा है ये यश है, ये यूजलेस है और काल का जाल है। जैसे पहले कोई बड़े अच्छे नेता हुए हैं, वो अच्छे काम थोड़े बहुत जो कर गए अच्छी बात है जनता के लिए, लेकिन अपने लिए क्या किया उन्होंने? अपने लिए तो कुछ भी ना किया, अपने लिए भी करते और जनता का भी हित करते क्योंकि उनको पास पावर होती है। तो अब क्या कितना अच्छा काम कर गया, उसका कितना स्टेचू बना दिया मूर्ति, और उसका कितना काम है एक साल में उसके जन्मदिन पर जाके उसने मांझ धो के और एक माला डाला है और 10-1 घंटा उसके गुण गाया है, वो साल बहुत अच्छे पहुंचे हुए की बात है। तो और सत भक्ति दा करने से वो अपने ही उस मूर्ति का ऊपर काग कौआ बनकर बीट कर रहा हो, उड़े शहर से पट्टे कर रहा हो। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और ना ऐसा यसरे। और सुख का सागर क्या है? शंखों लहर बेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कि जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, पुणात्मा दास के साथ बहुत बार ऐसा होता है जब एकांत में बैठा होता है एक ऐसी ही लोर आती है अंदर से, दुश्मन भी कोई हमारा कोई बुरा भी किया हुआ किसी ने, पहले तो थोड़ा बहुत दुख होता है उसका, लेकिन उस समय वो दुख भी नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। तो नुचा कर भी उसके उस समय किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आता। तो वो मेहर की लहर थी, यानी सब पर एक किस्म का मेहर रजा दया की भाव बन जाता है। तो कहते ऐसी ऐसी आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा से परिचित होकर उनसे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सुख का सागर सतलोक। और कहते हैं जैसे वो इलोर थोड़ी देर रहती है, उसके बाद फिर वो कहर की लहर, वो नहीं हुआ, वो ऐसे रह गया, वो फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वो कहर की लहर आ गई हमारे अंदर। तो कहते हैं वहां शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। वो सतलोक है सुख का सागर। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई ही, चुनकर ईश्वर कल्प किया तब, खोज न पाया राई ही, मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा यसरे। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, सार्वभौम उसका राज्य था, और चुनक ऋषि ने उसकी उसका सर्वनाश कर डाला, कितने ठाठ बाठ थे, पता नहीं क्या आशाएं लगा रखी थी, और ऐसा काल में घटना घटा दी, पूरी सेना मार दी गई और कंगाल हो गया। जैसे सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, परमात्मा में याद दिलाते हैं जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक तरफ रहे भगवान, बच्चे हो या संतान प्राप्ति हो, और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते हैं, पुत्र हो बस। हरी ने मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना उसका मोक्ष नहीं हो, उसकी गति नहीं हो। कमाल की बात करते हैं कि
पुत्र फिर उसके सर हाथ निकाल लेगा, उन्हें पता पेट भरो ने बेटी दे ब्याह ही जाएगी, तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है, पुत्र होगा तो तुम्हारे तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उससे। वो मूर्खता बना रहे थे न्यू, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं। तो कहने का भाव ये परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवानवाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो, सर्वा सोने की लंका थी, एक लख पूत सवा लख नाती, यानी 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,000 रिश्तेदार थे, और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं, शेष बच्चा सारे हुए भी मर गए। यहां भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर, और इनसे मन हटके चले। परमात्मा जो देता है बेटा दो या बेटी, सब्र करे मालिक पर, विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कि तुम यहां इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है। क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब या बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम्या मिलान निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थान, चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सेव मिले, राम अविनाशी। आदनीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में, जहां वो गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के पाली ग्वाले थे, तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रहे थे, सतलोक से आकर उतरे, ऐसे चलते दिखाई दिए, बच्चे वहां खाना खा रहे थे। तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, और सबसे छोटा गरीबदास जी थे, बालक 10 वर्ष का, सभी ने प्रार्थना की, महात्मा जी भोजन पालो, भोजन पालो, आ जाओ बैठो। परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में कि बच्चों भोजन तुम अपने गांव में खा के आया हूँ, आपका गांव कौन सा है। पालियों ने पूछा कि सचखंड सतलोक है मेरा गांव, कितनी दूर है यहाँ से, कि 16 संख कोस की दूरी पे। बच्चा ने सोचा 16 कोस होगा, कहने लगे बाबा जी इतनी दूर से चल कर आए हो, कुछ तो खा पी लो, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? गीतांशु जोहर। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मार्च 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हम यही देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जय गुरुदेव पंथ से नाम दीक्षा प्राप्त की हुई थी। जय गुरुदेव पंथ से आप कब जुड़े? जी बचपन से ही जुड़ी हुई थी मैं। जो जो भक्ति साधनाएं आपने की तथा जय गुरुदेव पंथ से आप जुड़े, तो इन सही भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी उनसे लाभ तो कुछ नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई?
जी, सबसे पहले हमारा भाई गया था दिसंबर 2012 में, तो वो नाम दीक्षा लेकर आया था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उसने ही आके हमें बताया था, ज्ञान समझाया था। तब तो फिर हम नहीं जुड़े थे क्योंकि मैं गाजियाबाद में रह के पॉलिटेक्निक कर रही थी। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा गए, उन्हें जब लाभ हुआ, मम्मी जी को कैंसर था, उन्हें लाभ हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, तू इनकी भक्ति कर और परमात्मा से नाम दीक्षा ले। तब मैंने फिर उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, तब मुझे लगा कि हाँ यही एक पूर्ण संत है जो पृथ्वी पर आए हुए, इनसे नाम दीक्षा लेके पूर्ण मोक्ष कराओ। तब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जैसे मार्कशीट होती है इंटर हाई स्कूल की, सभी गुम हो गई थी, 5-6 साल से मिल नहीं रही थी। उसके बाद हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद हमें 1 महीने के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट सामने ही रखे हुए अपने आप ही मिल गए। और दूसरा लाभ ये हुआ कि सबसे बड़ा लाभ है जो, वो हमारी मम्मी पापा की टेंशन दूर हो गई, वो दहेज मुक्त हो गए। हमारी शादी जो हुई है वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हुई थी बरवाला में, और कोई दहेज नहीं लिया था, भक्ति थे वो। तीसरा लाभ ये हुआ, जब मेरा जो बच्चा है वो अभी 1.5 साल का है, पर जब वो हुआ था तब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, वो बोले कोई बात नहीं बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। तब फिर वो बेटा नॉर्मल हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद एक लाभ मुझे ये भी हुआ है कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और कोर्स करने के बाद जब मैंने जॉब ट्राई किया तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और मेरी कुंडलियों में भी जो पंडित जी के द्वारा बनाई हुई थी कुंडलियाँ, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 2016 से पहले मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, कितना भी ट्राई कर लूँ। उसके बाद बावजूद भी मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे जॉब मिल जाए, पर कोई जॉब नहीं मिली। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2013 में मार्च में जब गई, मैंने सिर्फ नाम दीक्षा ली ही थी, उसके ही 2 घंटे बाद मेरे पे कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए कि तुम्हारा 2 दिन बाद इंटरव्यू है और आप आ जाना। तो जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट हाउस था, वो एक्सपोर्ट हाउस में जब मैं गई इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे इंटरव्यू के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस भी था, और मैं फ्रेशर ही थी। उसके बावजूद भी वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ फैशन डिजाइनर। और सिलेक्शन होने के बाद मेरी 3-4 महीने के बाद ही मतलब इंक्रीमेंट हो गया, मेरी सैलरी 20,000 हो गई, जहाँ मेरी 8,000 पे जॉब लगी थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी बिना दहेज की हुई तथा आपके पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो गई, लेकिन दहेज प्रथा ने आज विकराल रूप धारण कर लिया है जिसकी वजह से बहन बेटियों की जान चली जाती है, तो संत रामपाल जी इस दहेज प्रथा को खत्म करने में क्या कोई योगदान भी कर सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी हैं जो दहेज मुक्त शादी करते हैं, कोई दहेज नहीं लेते हैं शादियों में। अगर ये पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाता है तो ये दहेज प्रथा जड़ से ही खत्म हो जाएगी, जो कि सरकार नहीं कर सकती किसी भी अभियान के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से तो हम बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि पूर्ण परमात्मा है, वो आए हुए हैं, आकर उनसे नाम दीक्षा ले और अपना पूर्ण मोक्ष कराएं। इस पृथ्वी पर और कोई पूर्ण संत नहीं है जिसकी शरण में आने के बाद पूर्ण मोक्ष हो सके। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आते हैं, उन सत्संग में नीचे एक पट्टी आती है, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन कॉन्टैक्ट पर कॉल करके अपने नजदीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना पूर्ण मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।